रुक करते हैं कोटपुतली की ओर। राजस्थान सरकार द्वारा हाल बजट सत्र के दौरान कोटपुतली क्षेत्र में गौरेड़ा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र व अनुसंधान केंद्र के साथ साथ तीसरी इकाई के रूप में कृषि महाविद्यालय के खुले जाने से जहां एक और क्षेत्र में अपार खुशी की लहर दौड़ गई थी, वहीं कृषि महाविद्यालय को गौरेड़ा से अन्यत्र शिफ्ट किए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों में उपजे विवाद के क्रम में आज अनिश्चितकालीन धरने के साथ वे सातवें दिन सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। सातवें दिन शुभ मुहूर्त में अमृत घड़ी में और हमारे पूज्य आराध्य इस भूमि के वीर पुरुषों के दिव्य आत्मा के सानिध्य में हमने आज संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ कर्म किया, यज्ञ संसारस्य सर्वश्रेष्ठ कर्मा हा। वैसे तो हर अच्छा कर्म यज्ञ है, लेकिन यज्ञ का ही ऐसा साक्षात रूप हम सबको प्रेरणा देता है। अग्नि हर वस्तु को निर्मल बना देती है, पवित्र बना देती है, पाक कर देती है। उस पवित्र अग्नि के समक्ष हमारा यह निश्चय, हमारा यह संकल्प मजबूत हो, दृढ़ हो, ऐसा हम सब का विषय ईश्वर से हमने प्रार्थना की। हे ईश्वर, हमारे इस सुलक्ष्य को, हमारे इस सुकर्म से सुपथ पर हम बढ़ रहे हैं। हमारी मांग में कहीं भी कोई लोभ नहीं है, कहीं भी कोई लिप्सा नहीं है, हमारी मांग में कहीं भी किसी प्रकार का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। हम हमारे पूरे क्षेत्र के लिए निस्वार्थ भाव से एक उदार भाव लेकर के इस संकल्प को लेकर चले हैं। हे ईश्वर, आप अपने न्याय मार्ग पर हमें आशीर्वाद देना कि हम हमारे सुपथ पर चल रहे हैं, हमारी शक्ति अटल रहे और हम हमारे लक्ष्य को छू कर रहे, हम हमारे लक्ष्य को हासिल करके रहे, ऐसी प्रार्थना हम सब ने ईश्वर से की। यज्ञ रावत, ग्राम पंचायत गोनेड़ा। सरकार को सद्बुद्धि आ जाए और मंत्री महोदय को सद्बुद्धि आ जाए तो यहाँ महाविद्यालय यहीं रह जाए। यज्ञ तो सिर्फ आत्मा शुद्धि के लिए हो रहा है जी, और यहाँ महाविद्यालय के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। कौन सा दिन है धरने का? सातवां दिन है जी। सातवां दिन धरना जब तक जारी रहेगा, जब तक यह वापिस आदेश नहीं मिले जब तक। हमारे को पूरी पूरी उम्मीद है कि हम इस महाविद्यालय को यहाँ लेकर ही कामयाब होंगे। सर, हमारा यही कहना है कि जो हमारे मंत्री साहब हैं उनकी थोड़ी बुद्धि ठीक हो जाए, और हमारे जो जयपुर में जो राजस्थान सरकार है इनको भी थोड़ा पता लगे कि भाई ग्राम पंचायत गोनेड़ा के साथ कोटपुतली के साथ भी यह अन्याय हो रहा है कि यहाँ का जो कृषि कॉलेज है इसको हटा करके यहाँ से और विराटनगर तहसील में लेके जा रहे हैं। ये सर गलत है। हम आज हमारा सातवां दिन है इस धरने के ऊपर, और हम ये धरना आगे तक जारी रखेंगे और सरकार तक बात पहुँचा रहे हैं। हमने मतलब अपने सचिन पायलट साहब उनसे मिलने की कोशिश की है, और हो सके हम एक दो दिन वहाँ जाएंगे और उनसे संपर्क भी करेंगे ताकि हमारा ये कृषि कॉलेज यहीं रहे। सर, हमें यहाँ का जन समर्थन बहुत अच्छा प्राप्त हो रहा है। हमारे साथ में जो भी यहाँ के आसपास के सभी लोग हमारे साथ हैं, और हम इस लड़ाई को आगे तक लड़ेंगे और हम इसके अंदर कामयाब होकर रहेंगे। सर, मैं रविंद्र कुमार मीणा, सरपंच पनियाला, उपाध्यक्ष सरपंच संघ कोटपुतली। तो यही कहूँगा राज्य सरकार से भी और हमारे राज्य मंत्री से भी कि ये क्षेत्र विशेष से जो ये दुर्भावना रखते हैं ये ठीक नहीं है, इसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम मान रहे हैं कि उन्होंने वो कहते हैं कि प्रशासन भी कहता है कि कोटपुतली में ये कॉलेज खुला था, मान लेते हैं कोटपुतली में खुला था, पर ये तो उल्टी गंगा बहा रहे हैं कि कोटपुतली की बजाय पावटा तहसील में ले जा रहे हैं, क्योंकि पाथरेड़ी पावटा तहसील में पड़ती है। तो बिल्कुल सरासर हमारे क्षेत्र के साथ बहुत गलत हो रहा है।